बिहार में भाजपा सरकार के मंत्री श्री नितिन नवीन जी, बोकारो के जिला अध्यक्ष श्री जयदेव राय जी, प्रदीप साहू जी, अनिल स्वर्णकार जी, प्रशांत जायसवाल जी, श्री कामाख्या नारायण गिरी जी, और आजसू जदयू और लोजपा के उपस्थित सभी नेतागण, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन यशोदा देवी जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित डुमरी विधानसभा से आए हुए प्यारे हम सुदेश महतो जी से आग्रह करेंगे कि अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बुके और अनुमति देके सम्मानित करेंगे। मोतीलाल जी से आग्रह है कि आप भी, जिला अध्यक्ष जी से आग्रह है कि आप सभी, सुदेश महतो जी से आग्रह है कि आप आए और सभा को संबोधित करें अपने आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी। आज एक ऐतिहासिक पल हम सब के लिए कि आज भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का हमारे इस चुनावी अभियान में डुमरी के इस ऐतिहासिक विधानसभा के अंदर पदार्पण हुआ है। मैं सबसे पहले इस मंच से आप सभी से आग्रह करते हुए इनका जोरदार ताली से हम सभी लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं अपने मंच में आप सबके बीच हमेशा सेवक के रूप में रहने वाली, लंबे समय से परिवार का सेवा, इस सामाजिक और राजनीतिक रूप से आपके क्षेत्र में करने वाली यशोदा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे प्रभारी नितिन जी का हार्दिक स्वागत, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं अन्य सभी पदाधिकारी, आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारी, जदयू और लोजपा के सभी पदाधिकारी का मंच के अंदर में स्वागत करते हैं। और मंच से ज्यादा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इस लोकतंत्र में मंच से ज्यादा पंच का महत्व है, इसलिए पंच जितने बैठे हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और जोहार करते हैं। आज आदरणीय गृहमंत्री जी हमारे बीच में हैं और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि झारखंड के लोकतांत्रिक इस पूरी व्यवस्था में इस जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार झारखंडी जनमानस की भावना का सम्मान करते हुए हमारे बीच में है। मैं आज बहुत ज्यादा आपके बीच कहने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि डुमरी को कुछ दिन पहले